मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वर्ड है, इसमें से अगर मोमेंट ऑफ हटा दूं, अकेला इनर्शिया वर्ड आपने सुना हुआ है, क्या है मेजर ऑफ इनर्शिया? मास, है ना। हम कहते हैं कि एक ट्रक का मास 100 kg है, एक कार का मास 100 kg है, स्कूटर का मास 100 kg है, सबका इनर्शिया बराबर है, सेम है, इनर्शिया बराबर है। लेकिन अब इस चैप्टर में अगर एक डिस्क का मास 100 kg है, एक स्फेयर का मास 100 kg है, एक सिलेंडर का मास 100 kg है, एक रॉड का मास 100 kg है, इनका इनर्शिया तो बराबर है पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि क्या चीज चेंज हो रही है? इनकी शेप। तो मास एंड शेप का कॉम्बिनेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहां पर सिर्फ मास मैटर नहीं करेगा, साथ में इसकी शेप भी मैटर करेगी। कोई डाउट इसमें? तो मास एंड शेप का कॉम्बिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। हर डिफरेंट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, चाहे मास सबका सेम हो तो भी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ। अगर आपको याद हो, जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुआ था, पहला टॉपिक क्या था? टॉर्क, टॉर्क या दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो काम फोर्स लॉज ऑफ मोशन में करता था, वो काम टॉर्क रोटेशन में करता है। लॉज ऑफ मोशन में हम नेट फोर्स निकालते थे और इस चैप्टर में हम नेट टॉर्क निकालते हैं। इसीलिए जब भी कोई चीज़ रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होती है, उसके आगे क्या टर्म लग जाती है? ट्रांसलेशन मोशन से रोटेशनल में मोमेंट ऑफ फोर्स की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया तो लॉज ऑफ मोशन लीनियर मोशन का काम था, रोटेशनल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ फोर्स यूज लगेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? अगर मैं डेफिनेशन पढूं तो इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या एंगुलर मोशन। अब लीनियर मोशन नहीं, अब बॉडी को क्या करना है? घूमना है। एंगुलर मोशन मतलब बड़ी बड़ी बॉडी घूम नहीं सकती और घूमती बॉडी रुक नहीं सकती जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स। नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क इस चैप्टर में जो काम फोर्स करता है वो काम टॉर्क करेगा। अरे ये बिल्कुल सेम ही चलेगा लॉज ऑफ मोशन की तरह, बस आपने टर्म चेंज कर देनी है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे निकलती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट बॉडीज के डिफरेंट निकलती हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब कोई शेप नहीं है, बस पॉइंट मास है, और इस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके एक्सिस से, इसके अबाउट इसकी रोटेशन होने वाली है, इस एक्सिस को ये फिक्स मानते हुए घूमेगा इसके आसपास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल होता है वो आई होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है एम इंटू आर का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निकालना हो तो एम इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से उसे मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। ये पहला फॉर्मूला है। तो हम पॉइंट मास में बहुत काम करेंगे, इवन केमिस्ट्री वाले भी करेंगे और फिजिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के आसपास, हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इलेक्ट्रॉन का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का इसके इक्वल है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर आपकी बॉडी पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, कोई और बॉडी भी हो सकती है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अब एक चीज देखो कि अगर इसके अंदर मान लो M1 पार्टिकल है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से R1 है, M2 पार्टिकल है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से R2 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, ऐसे करते 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 MN RN स्क्वायर। तो ठीक है, अगर दो पार्टिकल हैं तो दो बार तीन है तो 30 का, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो तीन है तो तीन पार्टिकल का ऐड हो जाएगा, चार है तो चार, पांच है तो पांच, एन है तो एन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है?
अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज, अगर सपोज करो मैं सेम बॉडी ले रहा हूँ, सेम बॉडी है, बट मैं इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करना चाहता हूँ, मैं घुमाना चाहता हूँ, पर एक्सिस सेंटर से पास नहीं करता, एक्सिस यहाँ से पास करता है, बॉडी वही है। अब ये देखो ना, अगर बॉडी वही है तो एम वन की दूरी अब नए एक्सिस से बढ़ गई, एम टू की दूरी भी चेंज हो गई, हर पार्टिकल की दूरी एक्सिस से चेंज हो गई। पहले एक्सिस सेंटर से पास हो रहा था, अब एक्सिस कॉर्नर से पास हो रहा है, क्लियर है? तो वही पार्टिकल है, पार्टिकल वही है, M1, M2, M3, पर उनका डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से कुछ और था, कोने के एक्सिस से कुछ और है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 into R1 square जो भी निकलेगा वो उससे डिफरेंट निकलेगा। मतलब अगर मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, बॉडी को सेम रखा पर एक्सिस को चेंज कर दिया, तो मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मतलब इस पेन को मैं अगर ऐसे घुमाऊं, मान लो सिलेंडर है, ऐसे घुमाऊं आई डिफरेंट है, ऐसे घुमाऊं आई डिफरेंट है, ऐसे टेंजेंशियल घुमाऊं आई डिफरेंट है, अगर मैं इस डिस्क को ऐसे घुमाऊं, एक्सिस ये रहा, आई डिफरेंट है, सभी पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसे घुमाऊं, अब एक्सिस बीच में से पास कर रहा है, तो डिस्टेंस चेंज हो गया, आई डिफरेंट है। तो यानी कि आप कैसे घुमा रहे हैं सेम बॉडी को, मास वही, इनर्शिया तो वही है 100 kg, पर आप बॉडी को कैसे घुमा रहे हैं उसके ऊपर भी आई की वैल्यू चेंज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ बॉडी की शेप मैटर नहीं करेगी, उसको घुमाना भी मैटर करेगा कि उसका एक्सिस कहां से पास करेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक, M1, M2, M3, MN कितने मासेज हैं उस पर डिपेंड करेगी। नंबर टू, रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R1, R2, R3 अप टू RN, उस पर डिपेंड करेगी। नंबर थ्री है शेप ऑफ द बॉडी, स्फेयर है, डिस्क है, रिंग है, क्योंकि जब ये शेप चेंज होगी तो पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्फेयर में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, रिंग में कम पार्टिकल्स हैं, और दूरी भी डिफरेंट हो सकती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो शेप भी डिपेंड करेगी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है यहाँ तक? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज का अलग अलग है, तो अब हम बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं, पॉइंट मास को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे न्यूमेरिकल रिंग पे, डिस्क पे, स्फीयर पे आएंगे। तो पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, रिंग का।